हेलो गाइज, माई सेल्फ भरत कंवर और आप सबका बहुत ही हार्डली वेलकम। ओके तो गाइज, अभी आपकी एग्ज़ाम जो है बोर्ड की टाइम टेबल भी आ चुकी है, तो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कक्षा 12 के 12th के 12 के बच्चों के लिए, हमने अब तक जो है दो वीडियो आपको रिकॉर्ड करके आपको मिल चुके हैं और आपने देखा भी होगा, और कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके तो अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो हमारे पास में है, द टू स्टडी पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू स्टडी पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग जो कुछ बेसिक्स यहाँ पे हैं वो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिक्स आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हैं, आपकी एग्ज़ाम की शेड्यूलिंग आपको मिल चुकी है, आपका जो प्रैक्टिकल का डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस का क्या सिस्टम रहेगा वो अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप एक बार थोड़ा जान लीजिए। ओके तो टोटल आपके जो पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ओके चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ध्यान रखना है ये होते हैं मेजर प्रैक्टिकल्स। ओके ये मेजर प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर एम्स, रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर आपको पूरा परफॉर्म करके बताना होगा, एक ही ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह आपको कंप्लीट बना के आपको जो एग्जामिनर उसको सबमिट करना पड़ेगा। और ये वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं मेजर वाले, वो आपके प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, 23 एंड 24 ये मेन है। ओके और उसके बाद में आपका जो सेकेंड नंबर वो है माइनर है, माइनर प्रैक्टिकल्स भी उसी तरह आपको परफॉर्म करना है टोटली, उसमें ये 11, 12 और 15 और 16 आपके प्रैक्टिकल्स को आप प्रिपेयर करें। प्रैक्टिकल 1 के जो क्वेश्चन हैं इन 4 प्रैक्टिकल से आएंगे, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आगे के जो 11, 12, 15, 16 से आपके आने वाले हैं। ओके एंड उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं वाइवा, थियोरेटिकल जो आपका वाइवा होगा वो आपकी 1, 2, 3 एंड 13 से बनेगा, एंड देन आपकी बनेगी स्पॉटिंग, और ये 24 मार्क्स की कितनी है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये 24 मार्क्स का है। ओके ये 24 मार्क्स का है स्पॉटिंग, इसमें आपके जो मेन जो इंक्लूड प्रैक्टिकल्स है वो 4, 5, 8, 14, 17 एंड 18 है। ओके एंड देन लास्ट में आपकी आएगी जो जर्नल है वो आपकी 4 मार्क्स की, कितनी है आपकी 4 मार्क्स की है। तो ये जो है आपको टोटल मैंने आपकी जो वर्क मैकेनिज्म्स थी, आपको कैसे क्या रहेगा आपका प्रैक्टिकल मार्क्स वेटेज, आपको मैंने डिस्कस कंप्लीट कर लिया है। ओके अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है आपने देखा तो स्टडी पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा। ओके बहुत सिंपल सा बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 12 के अंदर कि जो पॉलिनेशन होगा, ध्यान रखना पॉलिनेशन के बाद में जो पॉलन और पिस्टल के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, और जो स्टिग्मा है आपकी पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और आपका जो पोलन ग्रेन है उसकी जो इंटाइन है वो जर्मिनल पोर से जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करती है। ओके तो हमें यहाँ पे चेक करना है पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा, कि हमारा जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाने का जो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो किस प्रकार से होगा, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके तो कुछ प्रैक्टिकल्स आपको मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको फ्लावर लेना है। हमने जो प्रैक्टिकल किया है इस प्रैक्टिकल में हमने जो फ्लावर यूज़ किया, ध्यान रखना ये हमारे कैंपस फ्लावर है, और इस पे ध्यान रखना आपको जो है आपको जो स्टिग्मा है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ देखिए अब ये मत सोचो सर फिर आपने क्यों पढ़ा रहे प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल का कभी ये मीनिंग नहीं होता कि रिजल्ट आना जरूरी है, आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। ओके और इस प्रैक्टिकल में करना क्या होता है, प्रोसीजर क्या होती है, अगर आपको सब सुविधाएं अगर मिले या आपको वो फ्लावर मिले तो क्या वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो हमारे पास में जो कैंपस फ्लावर है हमने कैंपस फ्लावर के अंदर हमने कोशिश की है, आपको मैंने बताया है। ओके तो हमने क्या लिया यहाँ पे, आपको क्या लेना है फ्लावर ले लेना है। ओके यहाँ बहुत सारे दे रखे आपको एग्जाम्पल का, आपको पिटूनिया है, ग्रासेस है, मेजेस है, फ्लावर है, लेडीज फिंगर है। ओके उसके बाद में बीकर है, ओके स्लाइड, कवर स्लिप, कॉटन ब्लू आपको लेना है ताकि आपका जो पोलन ट्यूब स्टेन हो सके। ओके एंड माइक्रोस्कोप वगैरह आपको चीजें लेनी होती है। तो ये क्या था आपके पास में, आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है स्क्रीन पे कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पे ये क्या हमारे पोलन ग्रेन है और ये क्या नजर आ रही है आपको पोलन ट्यूब्स आपको नजर आ रही है। ठीक है तो अब हम जो ध्यान करेंगे कि कॉन्सेप्ट के बाद में, अभी आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो से हमने स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं।
चलिए अभी जो सीधा आपको मैं दिखा लेके चलता हूँ, सीधा प्रैक्टिकल के पास मैं लेके चलता हूँ। ये आप देख लीजिए, आपके सामने हमने जो रिक्वायरमेंट के अंदर फ्लावर ले रखे हैं, ओके। ये कैंपस फ्लावर है और ये हमारे पास में स्लाइड है, कवर स्लीप, और ये हमारे पास में जो स्टेनिंग के लिए हमारे पास में कॉटन ब्लू है, ओके। और ये आपके पास में ब्रश, और ये आपके पास में निडल, और ये आपके पास में बीकर है, ओके। ये हमारे पास बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है, ये हमने यहाँ पे बेसिक्स रिक्वायरमेंट ले लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा पानी, गर्म पानी करना है, तो हमें ट्राईपोड, ये हमारे पास स्प्रिट लैम्प, और ये हमारे पास में डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर हमने ले लिया है। हमें क्या करना है, ये ट्राईपोड के ऊपर आप लोग एस्बेस्टोस सीट भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे वो सीट नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ट्राईपोड पे जो है डिस्टिल वाटर रख दिया है, और जो मेरा स्प्रिट लैम्प है ये मैंने ऑन कर लिया, ओके। अब देख लीजिए, ये हमने क्या लेना, अभी पानी गर्म हो रहा है, तब तक आप क्या कर लीजिए, आपको क्या लेना है, एक वॉच ग्लास लेना है, ये ग्लिसरीन भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आपको क्या लेना है, एक वॉच ग्लास लेना है, और ड्रॉपर की हेल्प से आपको थोड़ा सा जो कॉटन ब्लू है आप लोग ले लीजिए, ओके। और वॉच ग्लास में आप लोग ले लीजिए इसको, ओके। उसके बाद में जब ध्यान रखें कॉटन ब्लू से आपको ये जो आपका ड्रॉपर है इसको तुरंत वॉश करें, ये मैंने एक जो थोड़ा सा पानी ले लिया भी करके ना इसको वॉशिंग करने के लिए, आप ये इस प्रकार से तुरंत वॉश करें। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको होनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप जब चीज़ यूज़ करते हो तो उसको तुरंत क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने समय पर क्लीन नहीं किया तो आपका जो ड्रॉपर है ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या इसको तुरंत कंप्लीटली वॉश कर लिया हमारे पास में, और ये जो पानी इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ओके। ये हमारे पास में जो बेसिन है वहाँ उसे क्लीन करके रख, ठीक है। चलिए देखिए, इधर हमारा पानी जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है, ओके। पानी गर्म कीजिए, ये हमारा पानी आपको देखो इसमें वेपराइज होना शुरू हो चुका है। ये देखें आप लोग डायरेक्ट नहीं रखें, अगर आपके पास में बर्नर है तो कभी भी आप जो है डायरेक्ट ना रखें, उसके बीच में एस्बेस्टोस सीट आप ज़रूर लगाएं ट्राईपोड और आपके बीकर के बीच में। चलिए हमने फ्लावर ले लिया है, और फ्लावर का जो आपकी जो कोरोलाज हैं वो निकाल दें, ओके। और मैंने यहाँ पे कोरोला जो रिमूव कर लिया है, ओके। ये एंथर जो आपके पास में है यहाँ पे उनको रिमूव कर लीजिए, जितना भी स्टेमन से आप इनको हटा लीजिए, क्योंकि जो हमारा मेन काम है वो कार्पल के साथ में है, ओके। ये आप लोग जो आपके पास में जो फोरसेप्स अवेलेबल हैं वो उसके आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया है, ऐसा मैंने ये एक फ्लावर में किया है, ऐसा मैं एक और फ्लावर के साथ में करूँगा, ओके। हाँ ये मेरे पास में कैंपस का दूसरा फ्लावर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने जो है डायरेक्ट इसका जो कार्पल है हमने ले लिया है, ओके। अब हमारा अगला काम है, हमने कार्पल लेने के बाद में हमारा जो अगला प्रोसीजर होगा वो होगा कि ये जो कार्पल हैं दोनों कार्पल को जो पानी हमने गर्म किया है उसमें उसको डालना है, ठीक है। ये जो मेरा पानी है ये गर्म हो चुका है, ओके। और जो ये मैंने कार्पल निकाली है उसको मुझे गर्म पानी में रख देना है 5 to 10 मिनट्स तक, ताकि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो लूज़ हो जाएंगे, और इसमें जो है आराम से आपको जो पोलन ट्यूब है वो आराम से नज़र आएगी, जो स्टेनिंग वो आराम से इसमें हो जाएगी। तो 5 to 10 मिनट्स आप इसमें रख सकते हो, डिपेंड्स कि टेम्परेचर कितना है आपका, नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपका है तो 5 to 10 मिनट्स आप इसमें रखें, ओके। इधर मैंने स्टेन ले रखी है और मैंने डिस्टिल्ड वाटर ले रखा है, ओके। चलिए अब मेरे ये जो कार्पल थी वो 5 to 10 मिनट्स हो चुका है, 10 मिनट बाद हमने इसको बाहर निकाला वापस, ओके। और जो हमारी कॉटन ब्लू ले रखा था हमने पैटी डिश में, उसमें इसको ले जाके डाल दिया, ओके।
ये हमने इसको अंदर रख दिया, थोड़ा कैमरा अच्छे से ध्यान नहीं रहा तो आपको मैं दिखा नहीं सका, अभी दिखा दूंगा आपको। देख लीजिए, हमें इसको स्टीम करने के लिए छोड़ देना है, वो भी सेम 4 to 5 मिनट्स के लिए। दोबारा हमने जो दूसरा हमारे पास कार्पल था, देखो यहाँ पे मैं पैरेलल दो कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या है कि एरर ना आ जाए, तो या एरर आ जाए तो हमारा जो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आए, इसलिए हम लोग दो दो स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे पैरेलल। तो क्या करना है आपको, बस उस स्टेन में इसको छोड़ देना है आपको 4 to 5 मिनट्स तक। 4 to 5 मिनट कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ये स्टेन हो जाएगा और ये बाजू मेरे पास में क्या डिस्ट्रिक्ट वाटर ले रखा है, ये एक्सेसिव स्टेन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये जो मेरे पास में जो था कार्पल था स्टेन हो चुका है, इस पे जो जितना भी एक्स्ट्रा स्टेन है वो रिमूव करने के लिए मुझे जो है इसको डिस्ट्रिक्ट वाटर के अंदर एक बार रखना होगा, ताकि जो है एक्स्ट्रा स्टेन वो रिमूव हो सके। अब लेना है मुझे ग्लिसरीन लेना है, मेरी जो स्लाइड्स हैं वो रेडी हैं। ग्लिसरीन की आपको दो दो ड्रॉप लेनी है, एक एक ड्रॉप आपको लेके आपकी जो स्लाइड पे है उस पे आपको रख देना है, ओके। ये थोड़ा प्रॉपर हो नहीं पाया ग्लिसरीन की ड्रॉपिंग, आप थोड़ा अच्छे से करें ड्रॉपिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या ले लिया, हमने हमारे स्लाइड पे जो है ग्लिसरीन की एक एक ड्रॉप ले ली। ग्लिसरीन ले ताकि हम लोग जो मैग्नीफाइंग है वो अच्छे से कर पाएंगे, हम जो क्लियरली जो विजिबलाइज कर पाएंगे। ये हमारा जो अब हमने क्या किया, हमारा जो था कार्पल्स को उस डिस्टिल वाटर से निकाल के ग्लिसरीन में रख देते हैं। अब इस पर लगानी कवर स्लिप, ये देख लीजिए ये क्या लगा दी हमने, कवर स्लिप। यहाँ पर आप लोग नीडल की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको नीडल कंफर्टेबल है आप नीडल की हेल्प लें। कवर स्लिप लगाने के बाद उसको हल्का सा प्रेस करें, इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कि आपकी कवर स्लिप टूट जाए। आपको उतना प्रेस करना है कि जो टिश्यूज़ है वो आपका थोड़े स्प्रेड हो जाए। आपको इतना कवर स्लिप पे प्रेस करना है, और जितना भी एक्सेसिव आपका जो ग्लिसरीन है आप लोग जो इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको जो साइड में है एक्सेसिव ध्यान रखना, जो ग्लिसरीन है आप उसे जो है आपका जो टिश्यू पेपर है उसे क्लीन कर सकते हो, उसे वॉश कर सकते हो, ओके। ये क्या हो गया हमारे पास में जो है स्लाइड प्रिपेयर हो गई है, ओके। ये हमारे क्या हो चुकी, पूरी स्लाइड प्रिपेयर हो चुकी है। अब स्लाइड प्रिपेयर होने के बाद में हमारा अगला जो काम है इसको ऑब्जर्व करना है। ये हमने माइक्रोस्कोप ले लिया है, माइक्रोस्कोप में ध्यान रहे सबसे पहले लाइट सेट करें, माइक्रोस्कोप होल्डिंग आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग माइक्रोस्कोप पर लाइट हैंडल करें या लाइट सेट करें, और आपका 10x पे आपका जो है नोज पीस लगा होना चाहिए, ओके। ये हमने इसको सेट कर लिया है, ओके। चलिए, अभी अकेला है जो लेग सूट कर रहा हो, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा बिकॉज कोई ऑपरेटर था नहीं जो मेरा मोबाइल होल्ड कर सके, मैं मोबाइल को होल्ड करके ही सब शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि हमें अंदर नज़र क्या आ रहा है। आपको उसको 10x पे फोकस करना है, आपका जो आईपीएस है वो भी 10x का है, आपका जो लोस पीस वो भी 10x का, मतलब 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है। देख लीजिए, अभी आपको जो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ओके, ये जो पैटर्न आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा अच्छे से हो जाए तो मैं आपको बढ़िया से दिखा सकूँ। ये आप लोग देख रहे हैं एकदम ये स्टिग्मा का बिल्कुल टॉप आपको नज़र आ रहा है, स्टिग्मा का एकदम जो टॉप पोर्शन है वो आपको नज़र आ रहा है, ओके। ये टॉप पोर्शन है, यहाँ पे आपको जो अगर हमारे पास में लेडीज़ फिंगर या कोई भी जो अगर हमारे पास में होता तो उसमें जो आपको डेफिनेटली उसकी जो सरफेस पे जो है आपको पोलन जो ट्यूब का है आपको जर्मिनेशन जरूर देखने को मिलता, ओके। ये देख लीजिए, अभी ये आप जो एरिया देख पा रहे हैं, ओके, ये एरिया आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल टॉप वाला जो मैंने आपको यहाँ रोक रखा है, यहाँ पे माउस का कर्सर जा रहा है, ये बिल्कुल टॉप एरिया है, ओके। इस एरिया पे पोलन के ग्रेन रखना होते हैं और वहाँ से आपको पोलन ट्यूब निकलती हुई नज़र आती है, ओके। तो ये हमें प्रैक्टिकल सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है। ज़रूरी नहीं कि आपके हर बार प्रैक्टिकल में रिजल्ट आएंगे, बट आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया, तब आप जो है टोटली सक्सेसफुल और कंप्लीट ध्यान रखना आपका प्रैक्टिकल माना जाएगा। आपका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, आप रिजल्ट रीज़न भी नहीं दे पा रहे हैं,
वो नहीं चलेगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया रिजल्ट, क्लियर। तो ये उसका बिल्कुल टॉप सरफेस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉलन ग्लैंड नहीं है, ये कोई आपको यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं दिखेगा। ओके, अगर ये अवेलेबल है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे अपने को जर्मिनेशन देखने को मिलता, क्लियर। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल गाइज, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया हुआ होगा, और आपको जो मैं है यूट्यूब पे भी मिल सकता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन नाउ भरत पवार नाम से, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे देख सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन नाउ भरत पवार। ओके।